मैंने क्या एक दो दिन गेम खेलना छोड़ दिया, साला लोग समझने लगे कि मैं नूब हो गया। बेटा आ रहा है तुम्हारे बाप फिर से गेम के अंदर, और तुम जैसे नूबड़ों की ना चट्टी फाड़ के रखूंगा, AK-47 के साथ साथ वही चट्टी पे झंडा भी गाड़ के रखूंगा। अपने भाई को यूट्यूब पे सपोर्ट नहीं करोगे क्या? करू मैं लोकेश गेमर जैसे करोड़ों की डायमंड का काम करके आप लोगों को दिखाऊं, तब सपोर्ट करोगे मुझे? सॉरी यार, गांव से हूं ना, मेरा बाबा इतना भी अमीर नहीं है कि मैं दिन में 2-3 लाख का डायमंड टॉप अप करके आप लोगों को दिखा पाऊं। हेलो हेलो हेलो, एक करके दिखाओ जरा, एक करके दिखाओ जरा, एक करके दिखाओ, ओ जरा ये करके दिखाओ। ये सारे झोलम झाल से दूर हूँ मैं। कहाँ है तुम्हें? यहाँ गाड़ी वाट पे हूँ। अरे ऐसा क्या बात कर रहे हैं, इज्जत से बात करो तो। रख तेरी माँ का कस्टम खेल रहा हूँ। अगर आप सच्चे फ्री फायर लवर हो तो आपके लिए सवाल है कि फ्री फायर में ऐसी कौन सी जगह है जहां जाकर लगता है कि यार इतनी खूबसूरत जगह काश हमारी रियल लाइफ में होती। फ्री फायर ये कोई छोटा नाम नहीं है, और जो बंदे बोलते हैं फ्री फायर तो कोई भी खेल सकता है, बेटा घर जाके लूडो खेलो, ये बच्चों का काम नहीं है। अरे अमित भाई आ जाओ फटाफट, बीमा शक्ति निकलता है, बीमा शक्ति ओके सामने बंदे, अमित भाई आ जाओ आ जाओ फटाफट आ जाओ सामने बंदे। ओ भाई यार वो सामने पूरा स्क्वाड है भाई, वो घर के अंदर क्या चिमकान डिग्री कर रहे हो, वो मार डालेगा भाई। आई एम सॉरी बाबू। अरे रिवाइव करो ना। ओ सर सामने घर पे देखो बंदे भाई, वो रिवाइव। अरे यार क्या, अरे अमित भाई ये कंटेंट है यार, अमित भाई रिवाइव करो यार, क्या बोले यार, मेरे पास कोई शब्द नहीं है बोलने के लिए यार, कोई इतना भाई। अमित भाई अब तो रिवाइव करो, तुम्हारा प्रैंक गया तेल लेने। कि तू लड़की होशियार, मैं लड़का पढ़ाई में थोड़ा नलायक थोड़ा कमजोर हूँ। कि तू लड़की होशियार, मैं लड़का पढ़ाई में नलायक थोड़ा कमजोर हूँ। तू पापा की परी है, मैं अपने बाप का बेटा हराम खोर हूँ। तू अपने पापा की परी है तो मैं अपने बाप का बेटा हराम खोर हूँ। तू है राधा तो मैं भी माखन चोर हूँ। तू है मंदिर की शांति तो मैं हंगामे वाला शोर हूँ। तू है मंदिर की शांति तो मैं हंगामे वाला शोर हूँ। और तू शो के बाद द एंड है तो मैं ऑडियंस का चिल्लाता हुआ वंस मोर हूँ। उसने कहा तुम प्यार में मेरे लिए क्या कर सकते हो? मैंने कहा मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ। वो कहती है मैं तुम्हारे लिए जान दे सकती हूँ, तुम भी दे सकते हो क्या? पहले तो ये बात मेरी माँ को जाके बताओ। और ये रहा चाकू, हॉस्पिटल तुम्हें मैं ले जाऊंगा, पहले तुम नस काट के बताओ। ओए कभी याद नहीं आती मेरी, क्या बेबसी। कौन है तू? अबे तुझ में ऐसा है क्या जो तुझसे मिलने की करूं हसरत में? और हाँ सुन, चल निकल पहली फुर्सत में। जो नेगेटिविटी है सब हटा देंगे, आप थोड़ा इंतजार तो करो, दिलों में आग और आपके शहर में तबाही मचा देंगे। दिन खराब है इसलिए शाम को बैठा हूँ, जिस दिन दिमाग खराब होगा दुश्मनों से लेके मतलबी दोस्तों तक सबका हिसाब होगा। और उम्र भले ही छोटी हो हमारे कारनामे बड़े हैं, कि उम्र भले ही छोटी हो हमारे कारनामे बड़े हैं, और हमसे गद्दारी करने वाले हमारे गोदाम में पड़े हैं। अरे तू तो काला है। अगर मैं गोरा होता तो क्या चाटती मेरे को? हमें काले हैं तो क्या हुआ? जब तो मेरे पापा से मिलो तो खुद को अमीर शो करना। अपने पापा से कहना मैं गरीबों से नहीं मिलता। कि दोस्तों ने सलाह दी इतनी सिगरेट मत पिया कर दिल जलता है, कि दोस्तों ने सलाह दी इतनी सिगरेट मत पिया कर दिल जलता है, मैंने कहा बेटा धोखे खा कर देख जिंदगी ऐसे ही चलता है। अगर तू कुछ बाजी हार गया तो कोई दिक्कत नहीं, तुझे उससे भी कुछ सीख मिलेगी। कि अगर तू 2-4 बाजी हार गया तो कोई दिक्कत नहीं, तुझे उससे भी कुछ सीख मिलेगी। लेकिन एक बात याद रख मेरे दोस्त, ये कलयुग है, मेहनत करेगा तो सब कुछ मिलेगा, अगर मांगेगा तो सिर्फ भीख मिलेगी।
एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। 119 पे इतनी अच्छी पार्टनरशिप चली। ओ भाई मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो मारो। नहीं ये मजाक हो रहा है, एक सेकंड यार, मजाक हो रहा है। यार तुम लड़के ना पढ़ाई में कितने गवार होते हो ना। अबे ओ गज्जू के 12th में 34% बना है, 34। अच्छा हाँ? तो चल ये बता, व्हाट इज नाउन, बता बता। कुत्ता भी होता है अपनी गली में किंग, कुत्ता भी होता है अपनी गली में किंग। नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग। गांव से हूँ तो गवार कहती है, रईस बाप की औलाद घमंडी बहुत बड़ी है। मैंने कहा सुन, जितना बड़ा तेरा घर है उतने में चारा रखते हैं, मेरी ब्लॉक लिस्ट चेक कर ले, तेरे जैसी 12 रख। हम इंडियंस ने तीन तरह के गानों पे डांस करते हैं। पहला तो वो जिसका मतलब हमें अच्छी तरह पता होता है। दूसरा वो जिसका मतलब हमें पता भी होता है लेकिन जानकर अनजान बने रहते हैं, बस नाचने से मतलब। ए भाई थोड़ी और डाल दे, फ्रिज में आइस क्यूब भी निकाल दे। और तीसरा ऐसा कि जिसके मतलब से हमें कोई मतलब ही नहीं होता, बस नाचने से मतलब। मैं अपनी तारीफ खुद करता हूँ क्योंकि मेरी बुराई करने का ठेका तो दुनिया वालों ने ले रखा है ना। जिस स्कूल में तूने ये सब सीखा है ना, उसका हेडमास्टर आज भी मुझसे ट्यूशन लेता है। हिफाजत दुश्मनों से तो कर लेते, कोई अपना दुश्मनी पे उतर गया है, कोई अपना दुश्मनी पे उतर गया है। और मेरे हक में जो दलीलें थी फिजूल है अब, मेरे हक में जो दलीलें थी फिजूल है अब, मेरा गवाह गवाही देने से मुकर गया। हार जीत को साइड में रख दे, जिसमें सिर्फ जिंदगी या मौत मिले, हमारा नंबर सिर्फ उस खेल में आता है। कि हार जीत को साइड में रख दे, जिसमें सिर्फ जिंदगी या मौत मिले, हमारा नंबर सिर्फ उस खेल में आता है। और हमसे दिल लगाने की गलती मत कर मोहतरमा, मेरा तीनों वक्त खाना जेल में आता है। हम चुप बैठे हैं तो आजकल छोटे छोटे बच्चे शोर मचाने लग गए, पर जो करना है कर लेने दो, क्योंकि हमें पता है जेब में 2000 का नोट नहीं, सिक्के ही शोर करते हैं। भाइयों बहनों, मैंने थाली बजाने को बोला आपने थाली बजाई, मैंने मोमबत्ती जलाने को बोला आपने मोमबत्ती जलाई, अब 3 मई को अपनी छत पे चढ़कर गाना गाना होगा, और वो गाना है ये कहती मुझे ब्रेकअप चाहिए, तुम मुझे टाइम नहीं देते। मैंने कहा यार एक ही बात तू रोज रोज बताती है, और पास कैसे आऊँ, तू 7 दिन में एक बार तो नहाती है। जब तो मेरे पापा से मिलो तो खुद को अमीर शो करना, अपने पापा से कहना मैं गरीबों से नहीं मिलता। शेर को घेर तो सकते हैं और शिकार नहीं कर सकते। मेरे हाल बताते हैं कहानी मेरी, यार बेवफा निकली रानी मेरी। भाई तू ये गले में चैन क्यों पहनता है, तो मंगलसूत्र पहनो क्या? अब हमारे यहाँ ना शादियों में 3 तरह के नाचने वाले लोग होते हैं। पहले तो ये डीजे से, और दूसरे ऐसे लोग होते हैं। और तीसरे ऐसे लोग होते हैं जिनको देख के पता ही नहीं चलता कि ये शादी में आए हैं शमशान घाट के तांत्रिक के पास। लगता है महफिल में उतरना पड़ेगा दोबारा, कुछ लोग भूल गए हैं अंदाज हमारा। ए बाबा एक और झकास चीज दिखाओ क्या, इधर शॉट। ओ भाई मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो मारो। नहीं ये मजाक, आज दिल और दिमाग दोनों खराब है। उसे उसे कह दो कि वो ज्यादा औकात औकात ना करे, मैं अपनी औकात तुम्हारी औकात लिख दूंगा। भाई तू ये गले में चैन क्यों पहनता है, तो मंगलसूत्र पहनो क्या? कि तुम हम पर और हम तुम पर बेइंतहा मरते हैं, कि तुम हम पर और हम तुम पर बेइंतहा मरते हैं, चलो आज फिर से ये झूठा वादा करते हैं। झूठे थे वादे तेरे, मेरी भीगी भीगी सी पलकों पे रह गए ऐसे मेरे सपने भी, जले मैं तेरा भीग
कहती हम दूर हो गए अब याद आ रही है। मैंने कहा अब अगर चली ही गई है तो वापस मत मुड़। कहती नहीं आती, तेरे में एटीट्यूड है तो मैं भी पापा की परी हूँ। मैंने कहा चल फिर यहाँ से उड़। मेरी नफरत भी सच्ची तुम्हारी मोहब्बत भी फर्जी है कि मेरी नफरत भी सच्ची तुम्हारी मोहब्बत भी फर्जी है। और क्यों नहीं जलेंगे तेरे शहर के लोग मुझसे, उस मिट्टी से उठकर आया हूँ जिससे इनको एलर्जी है। भैया एक शायरी हो जाए। शायरी कि चांद तारे कदमों में रख दूं चाहतों की दे दो सूची। चांद तारे कदमों में रख दूं चाहतों की दे दो सूची। एक रुपए पैसे नहीं बस बातें ऊंची ऊंची।